जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मेहता अकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी में आप जितनी भी प्रकार की जॉब लगने वाले हैं, आप सभी को पता है इसमें आपको 8 जॉब करने का अवसर मिलता है। कौन कौन सी? एसएसएफ, एनआईए, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल और एसएसबी, ये टोटल 8 पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपको सर्विस करने का मौका मिलता है एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसमें से। इनमें से आप अपनी कोई भी फर्स्ट चॉइस देते हो, कोई भी लास्ट चॉइस देते हो, उसके हिसाब से आपको चॉइसें मिलती है अकॉर्डिंग टू आपके नंबर। आपके नंबर भी उस हिसाब से होने चाहिए, तब जाके आपके इनकी कोई ना कोई आपकी जो चॉइस होती है, चाहे फर्स्ट हो सेकेंड हो, वो जो कंडक्ट एग्ज़ाम के बाद में जो रिजल्ट होता है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चॉइस मिली है दोस्तों। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सबसे ज़्यादा अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सी फोर्स में सबसे ज़्यादा रिस्क है और कौन सी फोर्स सबसे सेफ मानी जाती है, ताकि आपको कहीं ना कहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एडवेंचर पसंद है यानी रिस्क पसंद है तो वो रिस्क वाली चुन ले, और कुछ ऐसे होते हैं जो भोले भाले सीधे साधे, उनको रिस्क से बहुत डर लगता है तो वो सेफ वाली चुन ले। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अभी प्रेजेंट टाइम में देश में जितनी भी 8 पैरामिलिट्री फोर्स है जिनका एग्ज़ाम देने चाहते हो आप, इनमें से सबसे ज़्यादा रिस्क वाली फोर्स कौन सी है और सबसे कम रिस्क वाली फोर्स कौन सी है और उसके पीछे क्या रीज़न है। साथ ही एक चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो परीक्षा ए पर एसएससी जीडी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है जिसको आप जाके ले सकते हो। किस प्रकार से? आप एसएससी जीडी की उस पर परीक्षा ऐप पे जाइए, साइड में 3 बटन दिया है उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम का ऑप्शन है, वहाँ से ऐड करना आपको एग्ज़ाम एसएससी पे क्लिक करके फिर आप नीचे जाओगे और स्क्रॉल करोगे साइड में, तो वहाँ पर एसएससी जीडी का आपको दिखा देंगे ऑप्शन, उस पर जाके क्लिक करोगे, वहाँ पे उसको परचेज का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप कमांडो 50 डालोगे तो आपको 50% डिस्काउंट में वो टेस्ट सीरीजें मिल जाएगी और आप उससे अपना एसएससी जीडी के जो ऑनलाइन टेस्ट देने की प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों। एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, 22 और 23 मार्च को परीक्षा ऐप पर एसएससी जीडी के लिए स्पेशली मेगा टेस्ट है, ठीक है। मेगा टेस्ट का मतलब वो बिल्कुल मॉक टेस्ट, बिल्कुल फ्री टेस्ट है, उसमें आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है आपके लिए, तो आप जाके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, बिल्कुल फ्री सुविधा है वो आपके। तो 22 और 23 मार्च को आप ज़रूर कंडक्ट करें, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी फोर्स है जिसको सबसे ज़्यादा रिस्क है और कौन सी फोर्स है जिसमें सबसे कम रिस्क है। दोस्तों अगर बात करें सबसे ज़्यादा रिस्क वाली या सबसे कम, तो सबसे कम से शुरुआत करते हैं। तो सबसे कम अगर रिस्क वाली बात करें तो एनआईए दोस्तों, एनआईए का जो काम होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मतलब एक पुलिस फोर्स के रूप में मान लीजिए काम, इन्वेस्टिगेशन के रूप में या सीबीआई या सीडीआई के रूप में इस प्रकार से काम करती है एनआईए, उसमें जान की रिस्क बाकी फोर्सेज की बजाय कम होती है। उसके बाद में एसएसबी, आपने एसएसबी के बारे में कुछ नहीं, कोई भी ऐसी अपडेट नहीं सुनी होगी, क्योंकि एसएसबी की जो ड्यूटी है वो भारत नेपाल बॉर्डर पर है। उसके अलावा इलेक्शन ड्यूटी तो सभी फोर्सेस करती है, लेकिन भारत और नेपाल बॉर्डर पे तो आप सभी को पता है भारत और नेपाल के रिश्ते कैसे हैं, तो सेकेंड नंबर पर आप उसको देख सकते हो। थर्ड नंबर पर एसएसएफ को देख सकते हो, क्योंकि एसएसएफ के बारे में भी आपने कुछ भी इस प्रकार की कोई भी ऐसी घटना नहीं सुनी होगी आज तक। फोर्थ नंबर पर सीआईएसएफ को देख सकते हो, यानी सीआईएसएफ के बारे में भी आपको इस प्रकार की कोई भी सूचना आपने बहुत ही कम रेयर केस में आपको सुनने को मिलेगी कि ये इंसिडेंट हुआ सीआईपीएफ सीआईएसएफ के साथ में, या बहुत ही मतलब रेयर का मतलब साल में एक या दो इंसिडेंट आपको अगर सुनने को मिलेंगे तो मिलेंगे, बाकी वो भी नहीं मिलेंगे। तो ये 4 फोर्सेस है, ये मतलब सबसे कम रिस्क वाली मानी जाती है। तो जो जिनको लगता है कि उनको कम रिस्क वाली फोर्स में जाना है, तो इन 4 में से वो कोई भी अपनी फर्स्ट चॉइस दे सकता है और जा सकता है दोस्तों। ये सबसे कम रिस्क वाली है, ठीक है, एनआईए, एसएसबी, एसएसएफ और सीआईएसएफ। इसके बाद में आते हैं थोड़ी थोड़ी सी रिस्क वाले में, तो थोड़ी थोड़ी सी रिस्क वाले में फिर आ जाते हैं आईटीबीपी। आईटीबीपी के बारे में भी आपने कम सुना होगा, लेकिन काफ़ी जो आईटीबीपी की ड्यूटी रहती है वो पर्वतीय इलाकों में भी रहती है, हिमालय उनकी चोटियों पर, जो भारत और इंडियन का जो तिब्बत बॉर्डर पुलिस एरिया लगता है उधर, लेकिन उधर भी काफ़ी रिस्क रहती है क्योंकि काफ़ी हाइट पर भी रहते हैं और इंसिडेंट भी सुनने में आते हैं, साल में कई बार सुनने में भी आते हैं। उसके बाद में असम राइफल भी आप सभी को पता आर्मी के साथ में ऑफ ड्यूटी करती है और ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में उसकी ड्यूटी रहती है, तो वहाँ पे नक्सलवादी वामवादी इनसे टकराव उनका भी होता रहता है, तो उनके बारे में भी आपको मतलब साल में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी रिस्क वाली फोर्स है। उसके अगर फिर ले सेकेंड नंबर पर, कि सेकेंड नंबर पर सबसे ज़्यादा रिस्क वाली, तो वो है बीएसएफ। आप सभी को पता है बीएसएफ की जो ड्यूटी है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, और भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं आप सभी को पता है, आए दिन फायरिंग वायरिंग सीज फायरिंग ये चलती रहती है इस बॉर्डर पर। साथ ही राजस्थान में कितनी गर्मी है, जैसलमेर में वहाँ मिट्टी के टीलों में ड्यूटी करना भी एक अपने आप में एवेंजर जैसा है, तो वहाँ पर भी काफ़ी रिस्क रहती है।
डिहाइड्रेशन का भी, धूप की वजह से भी, गर्मी की वजह से भी, और नंबर एक पर अगर आप देखते हो तो अभी प्रेजेंट टाइम में देश में नंबर एक पर सबसे ज़्यादा जो रिस्क वाली फोर्स है वो है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ में काफ़ी ऐसी ड्यूटियाँ जैसे नक्सलवादियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, और हर आए दिन आपको सीआरपीएफ का कोई ना कोई इंसिडेंट आप न्यूज़ में ज़रूर पढ़ते होंगे दोस्तों, चाहे आतंकियों से लगाकर नक्सलवादियों के खिलाफ, क्योंकि सीआरपीएफ का जो काम है वो आंतरिक सुरक्षा का काम है। इसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये नक्सलाइड एरिया सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया जहाँ पर सीआरपीएफ की स्पेशल टीम कोबरा भी काम करती है, और सीआरपीएफ की सबसे ज़्यादा फोर्सेस जो पोस्टिंग वो भी इधर ही है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, असम, यानी जहाँ पर नक्सलाइड एरिया वहाँ पर। उसके अलावा कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ भी काम करती है, बाकी फोर्सेस सीआरपीएफ की जितना काम नहीं करती। जैसे कोई अगर बीएसएफ है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहती है, कश्मीर में नहीं, ठीक है। सीआईएसएफ का भी कश्मीर में बहुत कम काम है, आईटीबीपी का भी नहीं है, लेकिन जो सीआरपीएफ है इसका नक्सलाइट के खिलाफ भी काम रहता है, आतंकवादियों के खिलाफ भी काम रहता है। इसीलिए कई बार आपने इसके बारे में इंसिडेंट आप सुनते हो वहाँ पर सीआरपीएफ के, ज़रूर आपको कोई ना कोई इंसिडेंट साल में हर मतलब सुनने को मिलता होगा, क्योंकि काफ़ी एवेंजर वाली फोर्स है यहाँ पर, जिगरा टाइट वाले लोग आते हैं जिनका दिल धड़कता है देश के लिए, और काफ़ी एवेंजर वाली पोस्ट है वो, तो कि रिस्क के हिसाब से बता रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में जो आंकड़े चलते हैं उसके हिसाब से दोस्तों। बाकी आप अपनी फर्स्ट चॉइस, अपनी चॉइस से देख सकते हो आपको कौन सी आपको कम रिस्क वाली लगती है, रिस्क वाली में जाना है, या रिस्क किसी को पसंद होता है कि हाँ मेरे को तो रिस्क लेना है ज़िंदगी में, रिस्क की लाइफ है। वैसे तो किसी का कुछ पता नहीं पल का ही, लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये है कि फोर्सेस में सबसे कम जो रिस्क वाली फोर्सेस है उनमें, और वैसे तो पता नहीं चलता कि हमारा और आपका जीवन किस दिन हमारा ऊपर का लिखा हुआ है, किस दिन नीचे का, कौन सा पल अपना कौन सा पराया, वो तो कोई पता नहीं चलता। वो ऊपर वाले के हाथ में बचाने वाला कहाँ से भी बचा के ले आता है। आपने भी जैसे इंसिडेंट देखा ही होगा, जैसे कोबरा कमांडो नक्सलियों के चंगुल में फंस कर भी वापस लौटा है, तो बचाने वाला ऊपर वाला है, वो कहीं पे भी आपको बचाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी आपको मैंने एक छोटा सा आंकड़ा दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन रहते हैं कि सर सबसे ज़्यादा रिस्क कौन सी फोर्स में है, सबसे ज़्यादा हार्ड फोर्स कौन सी है, सबसे टिपिकल फोर्स कौन सी है। और सैलरी वाइज भी आपको मैं बता दूं, सैलरी भी जहां पर रिस्क ज़्यादा होगी वहां सैलरी भी ज़्यादा होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।